मधुबनी जिले के जयनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। सिर्फ नफरत और जाति धर्म समुदाय को बांटने का घिनौनी राजनीति में लगी हुई है। महंगाई बेरोजगारी से आम जनता, छात्र, किसान, मजदूर, युवा त्रस्त हैं, जिसका जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में आम जनता अपने मतों से देगी और केंद्र में मोदी तानाशाही सरकार को खाड़ फेंकने का कार्य करेगी। भाजपा के डीएनए में लूट खसोट है। रिबन और बन हुड करते अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रही है। क्या यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री, जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कीमत में वृद्धि के कारण अपने लोगों और उनकी पीड़ा को कभी परवाह नहीं की, उन्हें अचानक उनके दर्द का एहसास हुआ और कीमत 200 रुपए कम कर दी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2014 से लगातार बढ़ी है और पिछले 7 वर्षों से दोगुनी हो गई है और 2020 से भाजपा सरकार ने सब्सिडी देना भी बंद कर दिया है। पिछले 2 दशकों में एलपीजी सिलेंडर की मूल्य वृद्धि के रुझान पर बारीकी से नजर डालने से हर मतदाता की आंखें खुल जाएंगी और कोई भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि कीमत केवल भाजपा शासन के दौरान ही बेरहमी से बढ़ाई गई है। पिछले साल 9 साल में मोदी सरकार ने रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाकर 31,27,00,000 देशवासियों को लूटा है। उन्होंने जनता की जेब पर 8,39,640.76 करोड़ ज्यादा की लूट की। सिर्फ हमारी उज्ज्वला बहनों से ही 2017 में अब तक मोदी जी ने 68,700 करोड़ लूट लिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती मतदाताओं को लुभाने और 5 चुनाव बाल राज्यों और उनके बाद के लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए एक और राजनीतिक स्टंट है। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, जिला महासचिव नित्यानंद झा, जिला संगठन सचिव मोहम्मद चांद, जिला उपाध्यक्ष नवेंद्र झा, अजय झा, पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र साह, धनुष लाल महतो उपस्थित थे। जयनगर से संतू नायक की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता के लिए जानकारी देंगे। आज प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि पिछले 7 सितंबर को श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा किए थे 145 दिनों में। उसके उपलक्ष में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। रही बात प्रेस वार्ता की, तो आज इसमें केंद्र सरकार की गलत नीतियों के वजह से भारत की जनता त्राहिमाम स्थिति में पहुंच गई है। सबसे पहले देख लीजिए कि गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कमी की गई। आखिर क्यों? ये इसलिए किए गए हैं कि पिछले आने वाले 7 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसके मद्देनजर रखते हुए कि लोगों को 200 रुपया का बहुत मैंने बेनिफिट दिया, इसकी जानकारी देने के लिए 200 रुपया का जो है ना कम किया गया है। जबकि पिछले 9.5 वर्षों में इस सरकार ने रसोई गैस की कीमत जो 415 रुपये हुआ करती थी वो 1200 रुपये कर दिए, तो इस समय में इनको कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन जब अब चुनाव 6 महीने बाकी रह गया है तो लोगों को चुनावी स्टंट बनाने के लिए 200 रुपये का छूट दिया है। और रही बात खाने पीने की, जितने भी वस्तुएं हैं जैसे किराना आइटम में ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मसाला ले लीजिए, दाल ले लीजिए, सभी चीजों का दाम में 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक वृद्धि हो गई है। लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन पब्लिक है जो हर चीज को जानती है और समय आने पर जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बार जो इंडिया गठबंधन बनी है तो उसके मध्य देखते हुए कि सभी पार्टी एकजुट होकर के हम लोग इस मैदान में कूदे हैं, तो 2024 में हम लोग का खिलाफ फतह करना है, इसी आशा और विश्वास के साथ। अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार महतो, प्रखंड अध्यक्ष जयनगर। आज की प्रेस वार्ता के लिए जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं नित्यानंद झा, जिला महासचिव मधुबनी कांग्रेस कमेटी। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा पिछले साल किए गए ऐतिहासिक पदयात्रा के समापन 1 साल पूरे होने के मौके पर हम लोग प्रेस के सामने मुखातिब हुए हैं। आज देश विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिससे जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के मौके पर भाजपा सरकार के द्वारा 200 रुपया रसोई गैस में कम करने का निर्णय लिया गया था, जो ऊँट के मुँह में जीरा के फ़ौरन के समान है। पिछले 9 साल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 रुपये का गैस 1200 रुपये में बेच रही है, और अब दो चुनाव का जब समय नज़दीक आ गया है तब 200 रुपये कम करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई से अवगत हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि फिर चुनाव के बाद रसोई गैस इस बार 2000 रुपया तक चला जाएगा। इसलिए पूरे देश की जनता इस मूड में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी में लगी हुई है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जन सहयोग की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।